मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्त्री और पुरुष। कथावाचक सोनम। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वो कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चिंताकर्षक विषय था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज सुन ली हो। जब से होश संभाला, तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की जो उसके हृदय की रानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता, कुंदन की चमक, बसंत की छवि, कोयल की ध्वनि, वो कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वो उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे, कविताओं में उसका गुण गाते। वो दिन भी समीप आ गया था जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहराएंगी, उनकी मुरादें पूरी होंगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेश आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब वो राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधु आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप शिखाए हो। अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी, विपिन फूले न समाए। दूसरे दिन वधु विदा हुई तो वो उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि ज्यों ही रास्ते में कहारों ने पालकी रख कर मुंह हाथ धोना शुरू किया, आप चुपके से वधु के पास जा पहुंचे। वो घूंघट हटाए पालकी से सिर बाहर निकाले बाहर झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ गई। ये वो परम सुंदर रमणी ना थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वो बरसों से कल्पना कर रहे थे। ये एक चौड़े मुंह, चिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी, और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो, रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई ना मिलता था? उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया जिसने वधू की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वो मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वो भी याद करते। जब कहारों ने फिर पालकियां उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ कैसे बोलूंगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूंगा, इसकी ओर तो ताकने ही से घृणा होती है। ऐसी कुरूपा स्त्रियां भी संसार में हैं, इसका मुझे अब तक पता ना था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं। मैं और सारे ऐबों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन वो चौड़ा सा मुंह, भगवान, क्या तुझे मुझे पर यह वज्रपात करना था। विपिन को अब अपना सारा जीवन नरक सा जान पड़ता था। वो अपने मामू से लड़ा, ससुर को लंबा खर्रा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की, और जब इससे शांति ना हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वो अपने को समझाता कि इसमें उस बिचारी का क्या दोष है, उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह नहीं किया। लेकिन ये दया और ये विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को ये शुतुर गमज से मालूम होते। वो दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा के लिए अवसर खोजा करती थी, लेकिन विपिन तो उससे भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट हो जाती तो कुछ ऐसी जलीकटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहां से चली जाती। सबसे बुरी बात ये थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। वो ये भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है,
कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी ना होते थे। वो उसके कह कहे की आवाजें बाहर से आती हुई सुनती, झरोखे से देखती कि वो दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं और तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा क्या? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर पर ही तो रहता हूँ, आजकल जरा नौकरी की तलाश है इसलिए दौड़ धूप करनी पड़ती है। आशा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बदलवा देते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए। विपिन, क्यों नाहक चिढ़ती हो, यहां तुम्हें किसने बुलाया था? आशा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन, इस मर्ज की दवा नहीं है, जो काम ईश्वर से ना करते बना उसे आदमी क्या बना सकता है? आशा, ये तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे बुरी सूरत अच्छी लगती हो? लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। उसका पति उस पर प्राण न देता हो लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता। विपिन ने झुंझला कर कहा, क्यों नाहक सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूं, दिल पर जबर नहीं किया जा सकता और ना दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूं, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा ये झिड़की सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात को गायब रहते। इधर आशा चिंता और नैराश्य से घुलते घुलते बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने ना आता, सेवा करना तो दूर रहा। इतना ही नहीं, वो दिल में मानता था कि वो मर जाती तो गला छूटता, अब की खूब देखभाल करके अपनी पसंद का विवाह करता। अब वो और भी खुल गया, पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे ये धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब वो धड़का छूट गया, कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघटे होने लगे। लेकिन विषय भोग में धन का ही सर्वनाश होता है, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला लगा, देह भी छीण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आईं, आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वो पहले से कहीं ज्यादा शोक करता, नित्य तेल लगवाता, बाल बनवाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति ना थी, रंग रोगन से क्या हो सकता। एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी, इधर हफ्तों से उसने विपिन को ना देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई, उसे भय था कि वो शायद ना आएंगे, फिर भी वो मन को रोक ना सकी, विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई, आकर सामने खड़े हो गए। आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी, वो इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था। बोली, तुम भी बीमार हो क्या? तुम तो मुझसे भी ज्यादा घुल गए हो। विपिन, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं? आशा, जीने की फिक्र न करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता, तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? ये कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की, उनके स्वभाव में इस प्रकार एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी न देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी, अक्खड़पन या क्रोध की गंध भी न थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले, मेरी दवा मौत करेगी, मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता, ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं अब ज्यादा दिनों तक जिंदा न रहूंगा, मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर ने भी वही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना, कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है,
ये कहते कहते एकाएक वो कांप उठे, सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई, मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे, मुंह से फिचकुर निकलने लगा, सारी देह पसीने से तर हो गई। आशा का सारा रोग हवा हो गया, वो महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी थी, पर इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी के छींटे देने लगी। महरी भी दौड़ कर आई और पंखा झलने लगी, पर विपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते उनका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर रहा, मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया। ये मूर्छा न थी, फालिज था। फालिज के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन उस रोग के सामने वो अपना रोग भूल गई। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात की रात उनके पास बैठी रहती। उनके लिए पथ्य बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके जरा जरा से इशारों को समझना उसी जैसी धैर्यशाली स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा करता, ज्वर से देह तपा करती, पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी। 15 दिनों बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उनका दाहिना पैर तो लुंज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत उनके सुंदर मुख की हुई थी। वो इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबर के खिलौने को खींच कर बढ़ा दे। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठे या खड़े तो हो जाते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत ना थी। एक दिन लेटे लेटे उन्हें क्या ख्याल आया, आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने कभी ना देखा था। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे गुरूर की सजा दे दी। वास्तव में मुझे ये उसी बुराई का बदला मिला है जो मैंने तुम्हारे साथ की। अब अगर मेरा मुंह देखकर तुम घृणा से मुंह फेर लो, मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला ले लो जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ, मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन, वाह, बंदर का सा मुंह हो गया है। तुम कहती हो कोई अंतर ही नहीं, मैं तो अब कभी बाहर ना निकलूंगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया। बहुत यत्न किए गए, पर विपिन का मुंह सीधा ना हुआ। मुंह का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई थी कि अब वो चलने फिरने लगे थे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी, आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव सिंगार किए जमा थी, गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा। आशा ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो पहले से कहीं मुंह ज्यादा अच्छा लगता है। चलो, बातें बनाती हो। नहीं बहन, सच कहती हूँ, रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे हुए थे, कई मित्र जमा थे, ताश हो रहा था। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी, इस वक्त वो बंद थी। एक मित्र ने उसे चुपके से खोल दिया और शीशे से झांक कर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का अच्छा जमघट है। विपिन, बंद कर दो। अजी, जरा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सबों में कौन सबसे अच्छी मालूम होती है? विपिन ने उड़ती हुई नजरों से देखकर कहा, मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है। वाहरी आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई है? मुझे तो वो सबसे बदसूरत मालूम होती है। इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो, मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। अच्छा, यही मिसेस विपिन है? जी हाँ, ये वही देवी है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी, स्त्री और पुरुष। कथावाचक
सोनम।